अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। हर रोज़ की तरह अजीत खबरों का विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुरखियां ते चा आवाज़े पंजाब फ्रंट के ऐलान मौके केजरीवाल खिलाफ खुल के बोले नवजोत सिंह सिद्धू। यूथ कांग्रसियों उत्ते चंडीगढ़ में पुलिस ने मारियां पानी दियां बुछाड़ा। अकाली दल ने साडे खिलाफ तैयार कीतियां 63 फर्जी सीढ़ियां। केजरीवाल ने पिंड झांडे विच लाए दोष। राष्ट्रपति ने GST बिल उत्ते लाई मोर। अजनाला सैक्टर की सरहदी चौंकी नेड़ियों फड़ी गई 25 किलो हैरोइन। ते हुण खबरां दा विस्तार। चंडीगढ़ के प्रेस क्लब दे विच अज साबका राज्यसभा मैंबर ते साबका लोक सभा मैंबर नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अपने हमख्याल साथियां सिमरजीत सिंह बैंस, बलविंदर सिंह बैंस ते प्रगट सिंह दे नाल मिल के आवाज़े पंजाब फ्रंट का ऐलान कर दिता गया है। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों नाल गलबात करदिया जिथे केजरीवाल के उत्ते तिखे शब्दी हमले किए उत्थे अकाली दल का ना लै तो बिना कई तरह दीआं गल्लां बातां भी दोहराईआं। उन्होंने केजरीवाल बाबत कहा कि उन्हां वल्लों अद्धा सच ते अद्धा झूठ बोलिया जांदा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वल्लों मैनूं कहा गया सी कि असीं तुहानूं विधानसभा दीआं चोणां नहीं लड़वावांगे पर तुहाडी धर्म पत्नी नूं टिकट दे देवांगे ते साडी सरकार आउण तों बाद उन्हां नूं मंत्री अहुदे दे नाल वी निवास दित्ता जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पिछले लंबे समय तो इसे गल के उत्ते सियासी पार्टियां दे वल्लों जोर दिता जा रहा है कि मशहूर लोगों नूं प्रचार के मौके वरतो ते बाद दे विच उन्हां नूं छड्ड दिओ। उन्होंने कहा कि आवाज़े पंजाब फ्रंट सिर्फ ते सिर्फ सच की गल करेगा। उन्होंने कहा कि असी सारियां धिरां बेशक वह किसी भी पार्टी दे नाल संबंधित व्यक्ति क्यों ना होण जां पंजाब दे किसी भी खेत्र दे नाल जुड़े हुए लोग क्यों ना होण उन्हां नूं आवाज़े पंजाब फ्रंट दे नाल जुड़न दा खुला सद्दा दिंदे हां। आवाज़े पंजाब दा मकसद बेहाल पंजाब नूं खुशहाल करना। साडी नज़र गोल वल नहीं, साडी नज़र साधना वल है जड़ी साडे इस मनसूबे नूं पूरा करदी है। परंपरा बन गई पंजाब च हिंदुस्तान च कि चंगे लोग डेकोरेशन पीस बना के रखो, कंपेन वेले उन्हां नूं इस्तेमाल करो ते उदों बाद टिच आ गया। यह परंपरा बन गई ते इस करके लोकां कोल विकल्प है माड़ा या उदू माड़ा, गड़बड़ वाला या ज्यादा गड़बड़ वाला। अज बदलाव की इस राजनीति दे विच सच बोलना पैना है, पंजाब जिताउणा है ते वो पंजाबी चाहिदा है। जिहड़ा राजनीति च कुछ मंगे ना ते सर्वस्व निछावर कर सके, निस्वार्थ भावना नाल इकट्ठे होके अगे आवे पंजाबी और डेकोरेशन पीस बन के ना रह जाए। साडी जंग उस सिस्टम नाल जिन्हें पंजाब बर्बाद करता। राज्यसभा तो जिहड़ा अस्तीफा दिता है, एक गल क्लीयर कर दिया मैं, इट हैड नथिंग टू डू विद केजरीवाल साहब, इट हैड नथिंग टू डू विद केजरीवाल साहब। मैं 2 साल पहला राज्यसभा बिल्कुल रिफ्यूज की थी। 2 साल पहला मैं राज्यसभा रिफ्यूज की थी जो जेटली साहब ने और राजनाथ जी ने और अमित शाह जी ने मैं बुलाया सी और उन्होंने कहा सी बेटा पार्टी ने तय किया भी अमृतसर तो जेटली साहब देख लग। मैं जी मेरे बड़े ने माता पिता तो बड़ा दर्जा उन्होंने, मैं कहना उन्होंने खैर मुकदम करता, वेलकम करता, कोई गल ही नहीं। पंजाब यूथ कांग्रेस के आगू जो कि अज विधानसभा का घिराओ करने के लिए चंडीगढ़ के वड्डी गिणती में पहुंचे सन, उन्होंने सैक्टर 15 के कोल ही पुलिस के वलों रोक लिया गया। इस मौके पर यूथ कांग्रसियों के वलों बैरीकेड उलंघ के अगे वधण की कोशिश की गई तो इन्हों रोकण के मनशे के नाल पुलिस वलों पानी दीआं वाछड़ां भी मारियां गईआं ने। किसान आगुआं दे हक की गल करन वाले यूथ कांग्रसियों दे वल्लों यह भी गल कही गई है कि एक पासे किसान भाईचारा लगातार मुश्किलों दे नाल जूझ रहा है तो दूजे पासे दलित भाईचारे नूं बणदी थां पंजाब सरकार दे वल्लों नहीं दित्ती जा रही। इत्थे भी दसना बनता है कि तकरीबन 200 दे नेड़े तेड़े यूथ कांग्रसियों नूं अज पुलिस वल्लों अपनी हिरासत में लिया गया है। ਪੰਜਾਬ
पंजाब और केंद्र सरकार दलित विद्यार्थियों के SC/ST स्कॉलरशिप की बेनिफिशरीज के पैसे खा रही है, शंकर दर्शन में बांट रहे हैं। इस साल का भी 500 करोड़ पेंडिंग है, दे नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी दलित विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आगे ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, हम इनके घर घेरेंगे, इनके मंत्रियों के लोगों की कचहरी में लेके आएंगे। ये लड़ाई जारी रखेगी यूथ कांग्रेस, इनके मंत्री का घेराव करेंगे। जो भारत में इनके मंत्री है सांपला, जिनके पास ये पंजाब में ये महकमा है, बादल और सांपला मिले हुए हैं, कोई भी सच नहीं बोल रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पंजाब के 4 दिन दौरे उत्ते पहुंच गए ने। इत्थे भी दसना बनता है कि अरविंद केजरीवाल जदों अज लुधियाणा के रेलवे स्टेशन उत्ते पहुंचे तो कांग्रेसी वर्करां ते यूथ अकाली दल के आगूआं वालों उन्हां दा सख्ती नाल विरोध किया गया। तो इस मौके के उत्ते केजरीवाल गो बैक के नारे भी लगाए गए ने। दूजे पासे भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस मौके के उत्ते केजरीवाल नूं रेलवे स्टेशन ते लैण पहुंचे आम आदमी पार्टी के आगू संजय सिंह ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि आम आदमी पार्टी नूं बदनाम करन दे लई औरतों की गल लगातार वख-वख पार्टियां वालों उछाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सूझवान लोग इन्हां सारियां चालां समझते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 दीआं विधानसभा चोणां विच आम आदमी पार्टी घट्टो घट 100 सीटां उत्ते जित हासिल करेगी। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल की पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया जान चुकी है कि केजरीवाल की टीम में कैसे कैसे कचरे इकट्ठे करके रखे हैं। जो किसी भी पार्टी से नेगलेक्ट किए हुए कैंडिडेट होते हैं वो केजरीवाल की टीम में आ रहे हैं। और आप देखिए कि जिस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित ना हो, एक कार्ड बनाने के लिए एक महिला का को कोल्ड ड्रिंक पिला के क्या करवाया जाता है, तो सोचिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ऐसी पार्टी का क्या आना ठीक है। इसलिए हम महिला होने के नाते कहते हैं कि केजरीवाल को पंजाब में रहने नहीं देंगे। केजरीवाल वापिस जाओ, केजरीवाल वापिस जाओ, गो बैक केजरीवाल। एंटी औरत पार्टी है आप पार्टी, आप पार्टी में कोई भी ऐसा सिद्धांत वाला नेता नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है, 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी चुनाव में जीतने जा रही है। पंजाब की जनता सारी साजिशों को, सारे षड्यंत्र को समझ रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र लगातार चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के विधायक नरेश यादव को मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी के लिए गिरफ्तार किया जाता है और दिल्ली के ही एक विधायक को बुलाकर, देवेंद्र सहरावत को बुलाकर पंजाब की महिलाओं को, पंजाब की बेटियों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने डिफेमेशन का केस भी करने का फैसला लिया है, कल समझौता मेरी ओर से केस हो जाएगा। महिला आयोग में भी हमारी महिला अध्यक्ष ने शिकायत की है और जो 3 हमारे कैंडिडेट हैं महिला कैंडिडेट, वो भी डिफेमेशन का केस करेंगे। इस तरीके से निराधार, बेबुनियाद, बगैर सबूत के आरोप किसी के ऊपर भी अगर लगाने की प्रक्रिया चल गई तो कल को मैं कह दूं सुखबीर बादल के संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं, या मैं किसी नेता के बारे में कह दूं कि वो 3 महिलाओं के साथ होटल में रुका था। इस प्रकार के आरोपों से सच साबित नहीं होता, सच के लिए प्रमाण देने होते हैं, सबूत देने होते हैं। अरविंद केजरीवाल अज लुधियाणा के पिंड झांडे विखे पहुंचे जिथे उन्होंने वालों मीडिया के नाल गलबात की गई। इस मौके पर गलबात करदिआं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2017 दे विच उन्हां दी पार्टी की सरकार आने तों बाद सब तो पहला काम किसानां दे करजे मुआफ़ करन दा कीता जाएगा। इस मौके उन्होंने यह भी गल कही कि 11 सितंबर नूं उन्हां वालों मोगा दे विच जा के किसान भाईचारे नाल संबंधित विशेष मैनीफेस्टो जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोष लगाया कि सुखबीर सिंह बादल ते समुचे अकाली दल दे वालों वख-वख लोकां दी मदद नाल उन्हां दी पार्टी दे आगूआं दीआं 63 फर्जी सीढ़ियां तैयार कीतियां गईयां ने। 11 सितंबर को किसान डायलॉग है, किसानों का जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो पंजाब में सबके सामने रखा जाएगा। बागा पुराना में दाना मंडी में 2 बजे मेरी पंजाब के सभी लोगों से अपील है कि सब लोग वहां पे पहुंचे। आज पंजाब का किसान बहुत बुरे हालत में है, खुदकुशी कर रहा है। एक समय ऐसा था जब पंजाब का किसान पूरे देश में सबसे खुशहाल माना जाता था। तो किसानों के घर में खुशहाली वापस आए, उनके बच्चों के चेहरे पे खुशहाली वापस आए, वो फले फूले, इसका हमने पूरा खाका तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है। वो सारा ब्लूप्रिंट हम जनता के सामने रखेंगे और ये ब्लूप्रिंट भी जनता ने तैयार किया है। खूब सारी मीटिंग्स हुई हैं पूरे पंजाब के अंदर।
पंजाब के किसानों को ऋण से मुक्त करवाया जाएगा, तो जितने भी गरीब किसान हैं उनका सारा लोन माफ किया जाएगा, बाकियों का सारा ब्याज माफ किया जाएगा और दिसंबर 2018 तक सारे पंजाब के किसानों को लोन से मुक्ति दिला दी जाएगी। मेरे को पता चला है कि सुखबीर बादल ने 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ, तो अब ये रोज दो चार सीडी निकलेंगी बादल साहब की, सुखबीर बादल जी की दो चार सीडी निकलेंगी, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, कीचड़ उछाला जाएगा। लेकिन पंजाब की जनता बड़ी सियानी है, वो कह रही है सारे जानते हैं कि ये सुखबीर बादल का खेल है, अब कोई नहीं सुनने वाला इसकी, और मैं भी अब आ गया हूं, यहीं खूंटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। अजनाला सैक्टर की सरहदी चौंकी के लागों BSF के जवानों वालों 1 अरब 25 करोड़ रुपए के करीब कीमत की हैरोइन बरामद किया गया है। इस मौके उत्ते गलबात करदिया BSF के सीनियर अधिकारियों ने दसिया कि उन्होंने कुछ हिलजुल महसूस हुई सी, जिस करके उन्होंने वालों उस स्थान की छानबीन की गई, पर इस मौके तो नशे के तस्कर वापस पाकिस्तान के वल भजन के सफल हो गए हैं। अधिकारियों के वालों यह भी जानकारी दी गई कि हैरोइन बरामद करने उन्होंने 2 पाकिस्तानी सिम, 1 मोबाइल, कुछ जिंदा कारतूस से 1 पिस्तौल भी बरामद करने सफलता हासिल हुई है। Today morning at about 2:30 in the AOR of the BOP Shahpur of 70 Battalion BSF, we have managed to seize about 25 packets of the heroin along with 1 pistol with magazine and 6 rounds and 1 mobile with 1 SIM and 1 additional SIM which was put in a, which was wrapped in a piece of paper. The seizure was made effective because of the alertness of the troops of 70 Battalion BSF, because we have been receiving the information from the DIGG Shri RS Kataria regarding the possible narco smuggling in the AOR. And the high alertness of the BSF has put into the result of, you know, the seizure of over 25 packets. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਆ, ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਪੱਕੇ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਟੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਾ ਇਹਦੇ ਗੱਟੂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀ
ਦੇ ਟਾਵਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 141 ਆਪਣਾ 452 302 506 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਂਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਲਦਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੀਏ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ GST ਬਿੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ GST ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ GST ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਤੰਦ ਇਸ ਕਦਰ ਪੀੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਇੰਡੀਆਸ ਐਕਟਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਆਵਰ ਟਾਈਜ਼ ਆਰ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਐਕਸਲੈਂਸੀ, ਜੀ The substance of our strategic partnership covers all three major segments of ASEAN activities: security, economic, and socio-cultural. And the ASEAN-India Plan of Action for the period 2016 to 2020 has served us well in fulfilling our objectives. We have already implemented 54 out of 130 activities identified in a plan of action. Excellencies, enhancing connectivity in all its dimensions, physical, digital, economic, institutional and cultural, is at the heart of India's strategic partnership with ASEAN. 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਟੂਰ 2016 ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਦਿਵਿਆ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਵਿਆ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਟੂਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 21st of September को, बिकॉज द टेक फैशन टूर इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू नो वी आर गोइंग टू विटनेस द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड द वंडरफुल क्रिएशंस बाय सम ऑफ आर टॉप डिजाइनर्स अंडर वन रूफ। एंड एक्चुअली यू नो फैशन इज जस्ट इम्पॉसिबल नाउडेज विदाउट टेक्नोलॉजी, बिकॉज इवन इफ यू हैव फैशन हाउ डू यू सेल इट, एंड यू नो टेक्नोलॉजी जस्ट ब्रिंग्स फैशन टू आर डोर स्टेप्स
and yeah, and fashion is so much a part of our life, and so is technology, and I think it's difficult to live now in this age without any of them. ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਮੀ ਜੈਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਫਰੇਕੀ ਅਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हमारी फिल्म में है कि भाई गड्ढे में बॉल डालनी होती, सिर्फ इतना सिंपल है ये गेम। और देखो रोड्स पे तो, बॉम्बे के रोड्स पे तो बहुत सारे गड्ढे हैं, हैं तो आप कहीं भी गोल्फ खेल सकते हैं। हाँ, मतलब ये हमारे फिल्म का भी कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे मिथ है ना ये कि अमीरों का गेम है, तो हम चाहते हैं कि इसको जैसे क्रिकेट सड़कों पे खेला जाता है वैसे गोल्फ भी सड़कों पे खेला जाए। तो सड़कों के गड्ढे तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, है ना, तो खेला जाए। और थैंक्स टू बीइंग इंडियन, ये बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव है उनका। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।